हंगामे का शून्यकाल, जिसमें पहले मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हुआ, आज हंगामा देखने को मिला विधानसभा के अंदर। बीजेपी के सदस्य वेल में आ गए थे इस दौरान, बाद में अभिनेश वारसी के वक्तव्य के दौरान यहां पर हंगामा बरपा। आरएसएस और निंबाराम का जिक्र आने पर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ, सभापति को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। डीएसपी और महिला कांस्टेबल के वायरल वीडियो का मामला भी आज विधानसभा के अंदर उठा। तो आज हंगामे का शून्यकाल रहा, जहां पहले मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हुआ, बीजेपी के सदस्य वेल में आ गए थे इस दौरान, बाद में अभिनेश महर्षि के वक्तव्य के दौरान भी हंगामा बरपा। आरएसएस और निंबाराम का जिक्र आने पर ही यहां हंगामा हुआ, सभापति को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। डीएसपी और महिला कांस्टेबल के वायरल वीडियो का मामला भी इस दौरान उठा। हंगामे का शून्यकाल रहा, जहां पर पहले तो मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हुआ, वेल पर बीजेपी के विधायक पहुंच गए थे और इसके बाद अभिनेश महर्षि ने भी यहां पर बात रखी। हालांकि मामला जरूर उठा डीएसपी और महिला कांस्टेबल के वायरल वीडियो का भी, आरएसएस और निंबाराम का जिक्र आने पर हंगामा हुआ। चलिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, हंगामे का शून्यकाल रहा, हंगामा हुआ क्यों? देखिए, मदन दिलावर, श्वेता, जब उन्होंने मामले उठाए आज शून्यकाल में, जब स्थगन के जरिए ये मसले उठाए, जिनमें खासतौर से उनका जो मामला था मेवात को लेकर था, मेवात में गैंगरेप की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, तो उन्होंने उसको सीधे तौर पर जोड़ा आतंकवादी संगठनों को लेकर। उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए कि किस तरह से वहां के कुछ लोग आतंकी संगठनों के संपर्क में है, सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, हिंदू विहीन गांव लगातार हो रहे हैं, इस तरह की बातें की। हंगामा वहां से बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसके बाद सभापति ने मामले को शांत कराया और फिर जब अभिनेश महर्षि बोलने आए बीजेपी से, तो अभिनेश महर्षि ने सारे मामले एक एक करके उठा दिए। उन्होंने वेद प्रकाश सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया, उन्होंने कुछ कथित वीडियो का मामला उठा दिया, जिसको लेकर कई तरह की बातें उठ रही है, जो एक पुलिसकर्मी से जुड़ा है और एक बहुत ही घिनौना वीडियो है, उन्होंने वो मसला भी उठा दिया, जो आरएसएस प्रचारक को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो एसीबी के शिकंजे में है। ये तमाम जब मसले उठाए तो उसको लेकर सदन का वातावरण बेहद गर्म हो गया और आपस के अंदर तनातनी का मामला सामने आ गया। कांग्रेस पक्ष की ओर से पीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कमान संभाली और उसके बाद एक एक करके कांग्रेस के सभी विधायकों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान संसदीय टिप्पणियां भी हो गई और मसला काफी बढ़ता देख सभापति ने फिर आधे घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया है और दोबारा 1:05 पर फिर से सदन आहूत होगा। लेकिन इस दौरान आज पिछले जब से सदन शुरू हुआ है, पहली बार सदन के अंदर कार्रवाई को स्थगित किया गया है, क्या यूं कह सकते हैं कि सदन में पहली बार इस तरह का वातावरण आज बना है। आज तैयारी के साथ आज आक्रामक होकर आइए, विपक्ष की धार जो बीजेपी की हमेशा रहती है रहते हैं, वो धार आज देखने को मिल रही है। तो उधर कांग्रेस भी अब पूरी तरह रणनीतिक तौर पर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पक्ष की लॉबी में तमाम कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता का संकल्प दोहराया है और कांग्रेस के विधायक खासकर संयम लोढ़ा, जो निर्दलीय विधायक, उन्होंने मांग की कि मदन दिलावर को बाहर निकाला जाए विधानसभा से, वह संसदीय टिप्पणियां करते हैं, सदन का माहौल गरमाते हैं और चोर शब्द को लेकर काफी माहौल गर्म है। तो श्वेता, फिर से सदन आहूत हो रहा है और आप सुन सकते हैं मेरे पीछे जो घंटी बज रही है, सदन शुरू होने वाला है और लगातार अगर इस तरह का माहौल रहा तो लगता नहीं आज सदन पूरी तरह ठीक तरह से चल पाए। चलिए योगेश, क्योंकि सदन शुरू हो रहा है, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन हंगामा किस कदर बरपा, किन मुद्दों पर बरपा, ये योगेश ने पूरी जानकारी दी है। हालांकि इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सभापति को स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही, एक बार फिर से कार्यवाही अब शुरू हो रही है। हालांकि इससे पहले कई अहम मुद्दे थे, फिर डीएसपी और महिला कांस्टेबल के वायरल वीडियो की बात कर लें या आरएसएस और निंबाराम का जिक्र आने पर भी यहां पर हंगामा किया गया। कई अहम मुद्दे और सवाल यहां पर मदन दिलावर ने उठाया, जिससे ही इस हंगामे की शुरुआत हुई। इसके बाद अभिनेश महर्षि ने भी अपना जब वक्तव्य दिया तो हंगामा और भी ज्यादा बरपा और इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से अब कार्यवाही शुरू होने जा रही है।